हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो था हमारा हाफ डोम का, वो तो आपने देखा ही होगा। तो वो जर्नी शेयर करते करते हमको लगा कि क्यों ना हम भी कोई एडवेंचर के लिए जाए, बिकॉज हम लोगों को हो गया है कुछ डेढ़ साल कुछ ऐसे हाइक या ट्रेल पे जाते हुए। तो उसी वजह से हमने फिर आसपास ढूंढना चालू किया और हमें मिली एक हाइक मैक्रे पीक की, जो है ग्रैंडफादर माउंटेन में। वो यहाँ की वन ऑफ द डेंजरस हाइक मानी जाती है। वैसे हमारे साथ हमारे फैमिली का एक मेंबर भी है जो हमें इस ट्रेक पे ज्वाइन कर रहा है, और वो है क्षितिजा, माय सिस्टर। आज हम आए ग्रैंडफादर स्टेट पार्क में, और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं ये मैक्रे पीक की हाइक। अब इसका डिस्टेंस है सिर्फ 1 माइल, लेकिन इसका एलिवेशन गेन है मोर देन 5000 फीट। वैसे इस हाइक से पहले आपको इनका परमिट भी लेना पड़ता है, तो परमिट के लिए सिर्फ ये एक फॉर्म फिलअप करके वाइट कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है और येलो कॉपी आपके साथ कैरी करनी पड़ती है। तो चलो अभी देखते हैं कि ये हाइक कैसे होती है। तो अगर आप इस ट्रेल पे जा रहे हो तो आपको आपके व्हीकल पे शाम को 4 बजे तक रिटर्न आना कंपलसरी है। इस हाइक के लिए आपको स्टेट पार्क की एंट्री फी भरना जरूरी है, जो कि है $22। वैसे अभी कोविड के टाइम में इन्होंने ये सब प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया, तो अगर आपको अभी ये पार्क विजिट करना है या फिर ये हाइक करना है तो इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद इसकी एंट्री फी पे करके आना पड़ता है। और आप जो स्लॉट बुक करते हो उसके बाद आपको मिलता है 1 घंटे का ग्रेस पीरियड। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 बजे का स्लॉट बुक किया है तो आपको 11 बजे तक एंट्री करनी पड़ती है, अदरवाइज आपने जो एंट्री फी पे की है वो वैलिड नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट तक आते हुए हमको हो गए 10 मिनट, और ये जो 10 मिनट की हाइक थी वो काफ़ी सिंपल और इजी लग रही है। और ये जो केव है आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होंगे ये बड़े बड़े बोल्डर्स, और ये रॉक्स क्लाइंब करने के बाद आई थिंक शुरू होगा इसका टफेस्ट पार्ट, जो कि है लैडर्स। चलिए आगे देखते इसके बाद अपने लिए क्या सरप्राइज छुपा रखा है। लेट्स गो। मैक्रे पीक ग्रैंडफादर माउंटेन्स का सेकंड हाईएस्ट पीक है, और यहाँ का हाईएस्ट पीक है कॉलवे पीक, और अगर आपको कॉलवे पीक तक जाना है तो उसका राउंड ट्रिप जर्नी है ऑलमोस्ट 4.8 माइल्स। तो लैडर्स आने में लगता है थोड़ा टाइम है, उससे पहले ये केबल्स आ गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा क्लाइंब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो अगर आपको बिना कुछ होल्ड किए नीचे उतरने में डर लग रहा है तो यू कैन यूज़ दिस केबल्स, इसलिए हम लोगों ने ये ग्लव्स भी डाले हुए ताकि हमको ग्रिप अच्छी मिले। तो ऑलमोस्ट 0.3 माइल चलने के बाद हम आते हैं पहले जंक्शन पे, यहाँ से सीधा जाएंगे तो 0.6 माइल के बाद आता है अपना मैक्रे पीक, और वैसे ही अगर यहाँ से हम राइट लेते हैं तो यहाँ पे ग्रैंडफादर ट्रेल। तो चलो हम लोग अपने ट्रेल पे कंटिन्यू करते हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पे थोड़ा स्नो भी हुआ था, तो यहाँ पे ट्रेल पे आइस भी बहुत है, तो यहाँ पे काफी संभल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज स्लिप होने के चांसेस बहुत है। तो अब 0.5 माइल हाइक करने के बाद हमें लग गई है भूख, तो हम लोगों ने लिया एक क्विक ड्रिंक और हम लोग खा रहे हैं प्रोटीन। तो हाइक्स के लिए हम लोग यूजुअली लाइट फूड और फुलफिलिंग फूड ही प्रेफर करते हैं, जैसे प्रोटीन बार्स, कुछ फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स, ऐसे ही सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं। हम पहुंच गए ट्रेल के सेकंड जंक्शन पे, यहाँ से हमें राइट लेके कंटिन्यू करना है।
यहाँ से चालू होता है इस ट्रेल का स्केरी पार्ट। पहले तो आपको इस रोप से ऊपर आना पड़ता है और फिर आगे ये ट्रेल कंटिन्यू हो जाती है। जैसे हम केबल से रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर आते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने ये फर्स्ट लैडर। फर्स्ट लैडर जैसे हम कंप्लीट करते हैं तो आता है ये नैरो सा सेक्शन और उसके बाद है अपना सेकंड लैडर। अभी इस ट्रेल का कोई कोई सेक्शन बहुत नैरो है तो आपको बाकी के हाइकर्स के लिए रुकना पड़ता है। वैसे इस सेकंड लैडर से भी व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। ये आ गए ये हमारी तीसरी लैडर। हमारे हाइकर्स रेडी हो रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ लैडर चढ़ने के लिए। सेवेंथ लैडर और स्माइलिंग फेस। एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। आई होप दिस इज द लास्ट लैडर। Thank you.
अब बात करते हैं शूज की, तो हम लोग हाइकिंग शूज रेकमेंड करते हैं क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो बिगनर बंदा भी जैसे आईसी पैच है या स्लोप्स है, उसको चढ़ना उतरना थोड़ा कॉन्फिडेंस से कर सकता है। हम लोग ने आज रनिंग शूज इसलिए डाले क्योंकि हमारे हाइकिंग शूज हम लोग घर छोड़ आए, लेकिन हम हमेशा हाइकिंग शूज प्रिफर करेंगे ओवर रनिंग शूज। तो अगर आपके पास वो है तो जरूर वही यूज कीजिए। लास्ट लैडर, तो हम लोग ने ऊपर चढ़ के नीचे उतर भी लिया। अब तो लैडर चढ़ने और उतरने की आदत सी हो गई। इट इज फन, अ नाइस एडवेंचर। गाइस हमारे अभी सब लैडर से उतर के हो गया। वैसे ऊपर काफी विंड था तो ऊपर तो इतने बात नहीं कर सके। अभी ये ट्रेल तो थोड़ा स्कैरी है, तो मुझे नहीं लगता कि वीक हार्टेड पीपल के लिए ये इजी होगा। मेरे ख्याल से अगर आप लैडर 3, 4 और 5 अगर कंप्लीट कर पाओ तो आगे का सेक्शन बहुत इजी है, और ये आज का एक टोटली वर्थ था। अगर ये हाइक करते हुए अगर आपको डर लग रहा है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एटलीस्ट 4th लैडर तो भी कम्प्लीट करें, वहाँ से भी व्यूज काफ़ी अमेजिंग है। वेदर ही एक ड्रॉबैक है इस हाइक का, अदरवाइज तो हाइक बहुत अच्छी थी कि ऊपर से व्यूज अमेजिंग है। और हम लोग तो लकी हो गए कि हमारे पास जैकेट्स, ग्लव्स और ये थोड़े से हैट्स और कैप्स वगैरह थे, लेकिन हम लोग वेदर के हिसाब से ऐसे प्रिपेयर होके नहीं आए थे। तो हम सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप प्लान कर रहे हो तो पहले यहाँ का वेदर और विंड वगैरह चेक करके उस हिसाब से प्रिपेयर होके आइए, बिकॉज पूरा हाइक थोड़ा सा कोल्ड ही था। ये हाइक डिफ़िकल्ट उनके लिए हो सकती है जिनको थोड़ा सा हाइट का डर है या थोड़ा वीक हार्टेड है, उनके लिए ये स्कैरी हो सकती है। अदरवाइज़ इट्स अ मस्ट डू, ऐसा नहीं है कि आप बिगनर हो तो नहीं ट्राई दे सकते, यू कैन ऑलवेज ट्राई इट। तो गाइस हाइक तो कंप्लीट हो गई है, इसे कंप्लीट करते करते हमें ऑलमोस्ट लगे 3 घंटे, लेकिन ये टोटली वर्थ। और हाइक के बाद अगर आपको रेस्टरूम यूज़ करना है तो यहाँ पे रेस्टरूम का ऑप्शन भी है। अब कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ के आइकनिक माइल हाई स्विंगिंग ब्रिज पे। अब इस ब्रिज पे जाने के लिए आप सेम पार्किंग लॉट से स्टेयर्स भी ले सकते हो, या फिर यही बाजू के गिफ्ट शॉप से एलिवेटर भी ले सकते हो, और ये दोनों रास्ते ब्रिज से पहले मिल जाते हैं। वैसे ये ब्रिज व्हीलचेयर एक्सेसिबल भी है। इस स्टेट पार्क का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का माइल हाई स्विंग ब्रिज। अभी वहाँ पे आज विंड इतनी थी कि वहाँ पे हम शूट नहीं कर पा रहे थे। ये US का हाईएस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज है। ये बना है सी लेवल से ऑलमोस्ट 1 माइल के ऊंचाई पे, और इसलिए इसका नाम भी माइल हाई ब्रिज है। ये ब्रिज बना था 1952 में, जिसको 1999 में मॉडर्न मटेरियल से रिबिल्ड कर दिया था। मटेरियल का बेनिफिट ये है कि इसको अभी बार बार पेंट नहीं करना पड़ता, अदरवाइज पहले इनके एम्प्लॉयज को यहाँ बाहर लटक के इसको पेंट करना पड़ता था। तो गाइज आप अगर नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में हो तो ये स्टेट पार्क एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपका वीकेंड के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेल्स है, और बच्चों के लिए यहाँ पे एक जू भी है, तो एक एज ग्रुप के लिए यहाँ कुछ ना कुछ तो ऑप्शन जरूर है। और इसका फेमस द स्विंग ब्रिज, वो भी काफी अच्छा अट्रैक्शन है, और वो फैमिली के लिए अच्छा आउटिंग हो जाता है। और यहाँ पे आते समय आप वेदर का जरूर ध्यान दीजिए, बिकॉज आज जैसे हम आए तो 20-25 mph के इस पे विंड चल रही है, तो ईयर मफ्स से ईयर बैंड हम लोग जरूर रेकमेंड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे द पॉकेट कंपास चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।